हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो कल जब एक्चुअली मैं घर पे आया ऑफिस से, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। उसके बाद उठा तो अंकल आया अचानक से, और एक एक्शन कैमरा था उनके पास। ऑब्वियसली वो बॉक्स में मुझे दिख रहा था, तो एक्शन कैमरा आके मुझे दिए, बोले ये रख तू यूज़ कर। बोला क्यों? थोड़ा सरप्राइजिंग था एकदम अचानक से आया और दिए। बोला कि नहीं तू व्लॉग करता है तो शायद तेरे कुछ काम है। उनके पास एक्चुअली पड़ा था तो इसीलिए उन्होंने आके मुझे दिया। सो अंदर से मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा था कि कुछ एक एक्शन कैमरा लूँ, क्योंकि मोबाइल हर समय मोबाइल निकाल के व्लॉग करना सही नहीं होगा, क्योंकि रिस्क भी रहता है, गिर सकता है या फिर बारिश। अभी मुंबई का वेदर अचानक से चेंज होती रहती है, बारिश भी आ जाती कभी अचानक, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक्शन कैमरा लूँगा। सो बट अचानक से अंकल आया और एक्शन कैमरा दिया तो मैं एकदम खुश हो गया। सो उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। सो अनबॉक्सिंग करते और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या मिला है साथ में। तो क्योंकि इसके पहले मैंने कभी कोई एक्शन कैमरा अनबॉक्स नहीं किया है, सो मुझे आइडिया तो है नहीं, बट देखते। वैसे भी लेना तो था ही, तो पता भी चल जाएगा अब क्या है। मैं क्योंकि सोच रहा था राइड पे जाऊँगा तो हेलमेट में लगा के तू मेरा रिकॉर्ड भी अच्छे से करो, क्योंकि मोबाइल यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा, रिस्क ले सकता। तो सो आई एम बैक। तो सुबह से ऐसा हो कि जब अनबॉक्सिंग कर रहा था मैं एक्शन कैमरा की, तो उतने में टाइम देखा मेरा 10 बज रहे थे। बोला यार अब तो भागना पड़ेगा, फिर फटाफट गया प्रेशन अप और निकल पड़ा ऑफिस के लिए। सो वहाँ से आया तो सोचा कि चलो अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। थका हुआ तो था ही, बट सोचा कि अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। बट उतने में भाई का कॉल आया घर पहुँचते कि मिल मेरे को कुछ काम है। मैंने ठीक है मिलता हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ उससे मिलता हूँ। उसके बाद भी अगर टाइम नहीं मिला तो शायद उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा अनबॉक्सिंग का, बट अगर टाइम मिलता है तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो यही रहना, जाना मत, मैं पहले भाई से मिल गया तो फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो अभी सीन ऐसा है कि भाई बोल रहा है कि किधर जाना है, अभी मैं मुझे नहीं पता उसके बाद अभी वो कहाँ लेके जा रहा है। सो मैं अभी निकलता हूँ। और हाँ, एक्शन कैमरा का लाइक सुबह को जो मैंने ओपन किया था तो मैंने फिर से उसको पैकअप नहीं किया, वैसे ही मैंने रख दिया, क्योंकि रश हो रहा था तो मैंने चार्ज पे लगा के निकल गया। सो ये रहा एक्शन कैमरा। अभी तक मैंने उसको कुछ चालू किया, खाली चार्ज पे लगाया और चले गया बस। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्शन कैमरे का। हेलो पब्लिक, सो आज का दिन एकदम एग्जॉस्ट था, मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले घर पहुंचा, फिर भाई का फ़ोन आया कि जाते चल जू, तो मैं बोला चल ठीक है जाते। तो अभी जस्ट जू के लिए निकला हूँ। तो आज एक्चुअली एक ऐसा सीन हो गया कि एक्सेस लेके निकला था काम के लिए, सो सोचा था कि जल्दी काम हो जाएगा, और हाफ एन आवर का काम था, सोचा था जल्दी हो जाएगा। तो जब घर लौट रहा था तो गांधीवली हाईवे पे ही मेरा बाइक मतलब पूरी तरीके से बंद हो चुका था। मैंने चौक जो होता है उसका वो खींचा, ट्राई किया कि वो ठीक हो जाएगा और चलने लगी, बट नो, वो तो मतलब एकदम इतनी ज़िद्दी हो गई कि वहाँ से हिल ही नहीं रही है। तो बोला अच्छा ठीक है, उतर के थोड़ा धक्का मारना स्टार्ट किया मैंने। मैं बोला चल भाई चल, किसी भी चल घर तक पहुँचा दे, जल्दी जाऊँगा घर जाके आराम करूँगा। बट फिर ऐसा सीन हुआ कि वो चलने का नाम ही नहीं ले रही है। सो मैंने अपने मैकेनिक को कॉल किया, तो वहाँ पर उसका 1 आवर तक वेट किया। हाईवे से मैंने मतलब साइड पर लेके समता नगर पुलिस स्टेशन था वहाँ के, वहाँ से थोड़ा आगे मैंने सर्विस रोड पर पार्क करके आराम से उसका वेट किया। तो मैंने मैकेनिक को कॉल किया, वो बोला 1 आवर लगेगा। मैंने ठीक है चल भाई जो भी आ जा, 1 आवर तो 1 आवर।
तो वो 1 आवर में आ गया, बट 1 आवर से पहले मेरे को और फिर से वो प्रॉब्लम दे रहा था। सो एक्चुअली बाइक की प्रॉब्लम थी कार्बोरेटर की, तो उसने वहीं पे खोला और देखा कि कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है, तो उसने जुगाड़ करके उसको स्टार्ट तो कर दिया, बोला अभी आप सीधा डायरेक्ट गैराज में जाके रख देना और कहीं पे भी रुकाना मत। तो सीन ऐसा हो गया, घर पे पहुँचते पहुँचते जब मैं मलाड़ पहुँचा तो उतने में वहीं भी बंद हो गई। तो फिर से कैसे ना कैसे धक्का मार मार के उसको गैराज तक पहुँचाया। गैराज में पहुँचाने के बाद मैंने बोला ले भाई चाबी पकड़, अब सीधा बनाने के बाद ही मेरे को देना, पूरा इसकी मरम्मत ठीक कर दे फिर तुम्हें बोले। तो अभी हम लोग पहुँच गए जू और हो रहा है कुछ 12:15, सो मैक्सिमम 30 या 45 मिनट्स बैठेंगे। बाल की तो पूरी वाट लग चुकी है। पहुँचने के बाद ऐसे लग रहा था कि रिटर्न घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो साइड लेफ्ट साइड का जो लेन है ना वो पूरा बंद रखा हुआ है और जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं ना वो सिर्फ दिख रहे थे। मैं बोला अब क्या काम चलो यहाँ पे, बोला इतनी दूर से अभी मलाड़ से आया हूँ बैठने के लिए, थोड़ी देर एटलीस्ट आधा घंटा बैठूँगा फिर घर पे चले जाऊँगा। बट मैं तो समझा कि अभी ये लोग अभी बैठते ही टाटा बाय बाय कर देंगे, पुलिस वाले बोलेंगे चलो उठो और घर पर जाओ। बट गाड़ी तो पार्क कर दी अंदर यहाँ पर साइड में, एक्चुअली वो कुछ डाम्बर का काम चालू है इसके लिए, और ये लाइट आ रही है ना इसके लिए मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है। और अभी बज रहे हैं 12:21, सो मैक्सिमम हाफ एन आवर बैठूँगा फिर चले जाऊँगा, क्योंकि नींद भी आ रही है मुझे और सुबह ऑफिस भी जाना है। सो गपशप करता हूँ थोड़ा भाई के साथ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छी इतना बड़ा मजाक हो गया ना मेरे साथ, वहाँ गए थोड़ी देर बैठे 15 मिनट्स हुआ और कॉप्स आके उठाने लगे कि यहाँ पे अभी नहीं बैठना चाहिए, आपको जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, घर पे मतलब एरिया में पहुँच के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई है वहाँ जाके। तो अभी एरिया में तो नहीं जाएंगे, सो अभी इतने दूर आया था तो थोड़ी पेट पूजा करूँगा, अभी जाऊँगा फाइडी जाके कुछ खाऊँगा, फिर वहाँ से भी चुपचाप घर के जाके सो जाऊँ, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है और एजेंसी थके हुए थे और नहीं थकना है भाई, बस हो गया थोड़ी पेट पूजा करता फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बहुत भूख लग रही है, सोचा था वहाँ पर मैं भी कुछ खाऊँगा बट वहाँ पर खाने को कुछ मिला ही नहीं, खाना तो थोड़ा 2 मिनट के लिए बैठने भी नहीं मिला। आज इतना बड़ा पोपट हुआ है ना हमारा। सो जू से तो अभी आ गए, पेट पूजा भी कर लिया, संडे ट्रीट में बैठ के
तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। वहाँ जाके सोचा था कि बातचीत होगी भाई के साथ, बट कॉप्स आए और उठाने लग गए, बोले कि अभी यहाँ पे नहीं बैठ सकते, मतलब काम चल रहा था इसलिए वो लोग वहाँ से भगा रहे थे। तो ठीक है, उनको उनका काम करने, तो हम हमारा काम करते हैं। सो घर तो अभी मैं पहुँच जाऊँ, मतलब एरिया में ही हूँ, सो यहाँ से भी मैं घर निकल लूँगा, पास में ही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। और हाँ, पोपट बनाऊँ मैं वहाँ जाके। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।